अगर आप 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिख लेते हैं और आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जा रही है तो डिक्टेशन का छूटना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की है और आपको 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोली जा रही है, फिर भी आप पूरी डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। ये तो पूरी डिक्टेशन न लिख पाने के कई कारण हो सकते हैं और सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी और नॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसकी डिक्टेशन न लिख पाने का क्या कारण है। लेकिन मैं यहाँ कुछ कॉमन कारण बताऊंगा डिक्टेशन छूटने के, जिनमें सुधार लाकर आप अपनी डिक्टेशन तेज लिख पाएंगे और पूरी भी लिख पाएंगे और गति में भी आपकी वृद्धि होगी। सबसे पहला कारण हो सकता है प्रैक्टिस में कमी। शॉर्ट हैंड में अगर महारत हासिल करनी है तो प्रैक्टिस जमकर करनी है और हर शब्द की आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर की शॉर्ट हैंड लिखनी है और बार बार लिखनी है। दूसरा कारण हो सकता है कि जिस जगह आप बैठकर डिक्टेशन लिख रहे हैं वह जगह आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं जिस मेज पर आपने अपनी नोटबुक रखी हुई है उस मेज पर आपके दोनों हाथों की कोहनी टच हो रही हो। ध्यान रखें, दोनों हाथों की कोहनियां मेज को टच ना हो। कभी भी पांव पर पांव रखकर ना बैठें। घुटनों के बीच की दूरी कम से कम 6 इंच की होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पेंसिल को कसकर पकड़ा हो। पेंसिल को हल्के हाथ से पकड़कर डिक्टेशन लिखनी चाहिए। पेज को पहले से ही मोड़कर रखना चाहिए। कभी कभी पेज आपस में चिपट जाते हैं, इस कारण आपकी डिक्टेशन छूट जाती है। हमेशा पेज के कोने को अलग अलग पहले से ही मोड़कर रखें। पेज को हमेशा बाएं हाथ से उलटने की आदत डालनी चाहिए। डिक्टेशन लिखते समय एकाग्रचित रहना बहुत आवश्यक है। डिक्टेशन लिखते समय आपके दिमाग में अगर कुछ भी और विचार आते हैं तो डिक्टेशन का छूटना स्वाभाविक है और अक्सर डिक्टेशन लिखते समय कुछ ना कुछ उल जलूल विचार दिमाग में आ जाते हैं। तो डिक्टेशन लिखते समय एकाग्रचित बने रहने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। आप रोजाना 15-20 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपको एकाग्रचित होने की आदत पड़ जाएगी और आप डिक्टेशन लिखते समय डिक्टेशन बोलने वाले पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और पूरी की पूरी डिक्टेशन लिख पाएंगे। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी नियमों का सख्ती से अनुपालन करने की आदत डालिए। आपके प्रशिक्षण में जो छोटी मोटी कठिनाइयां आए उनसे हताश ना हो, बल्कि अपना अभ्यास जारी रखें। सफलता आपकी कदम चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक। नवजागृति यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सीखते रहिए।